गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा श्रीवास्तव गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ के साइंस के चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसके थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। बच्चों, मिक्सचर आपको पता है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का बना होता है, तो उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करके उसकी स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट से सेपरेट कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट को किस तरह से सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में फिल्टरेशन मेथड का यूज़ कैसे उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देता है, और फिर पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग फनल मेथड, डिस्टिलेशन मेथड एंड एट लास्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम अपना सॉलिड सॉलिड मिक्सचर स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्लिमेशन मेथड को। बच्चों, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में जो सब्लिमेशन मेथड है, उसमें सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड को अगर गर्म किया जाए तो वो बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए सीधे गैशियस स्टेट में चला जाता है। तो बच्चों, इसका प्रिंसिपल है मिक्सचर्स इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज एबल टू सब्लाइम। जो कंपोनेंट सब्लिमेशन मेथड शो कर सकता है उसको उन कंपोनेंट से जो सब्लिमेशन मेथड शो नहीं कर सकते हैं उनसे हम सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, कैम्फर और कॉमन सॉल्ट में कैम्फर कैन सब्लाइम, फिर सैंड और आयोडीन में आयोडीन कैन सब्लाइम। फिर इसी तरह से कुछ और भी सॉलिड्स होते हैं जो सब्लिमेशन की प्रोसेस शो कर सकते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन। बच्चों, सबसे पहले इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिसमें हमने दो सॉलिड्स लिए हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट। अब इन दोनों के मिक्सचर में से हमको अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है। अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन की प्रोसेस को शो कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, एक पोर्सलिन डिश ली, उसमें हमने मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। उसके ऊपर एक फनल को इन्वर्ट करके रख दिया गया है और ऊपर कॉटन प्लग से सील कर दिया गया है ताकि जो भी वेपर्स निकलें वो बाहर की तरफ ना जा सके। जब आप इसको नीचे से सैंड बाथ पे हीट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड कैन सब्लाइम, देयरफॉर इट विल डायरेक्टली गो टू गैशियस स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में गए वो सीधा गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके जो वेपर्स निकलेंगे वो जब ठंडे होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इन्वर्टेड फनल है इसकी वॉल्स पे वो कलेक्ट हो जाएंगे और सोडियम क्लोराइड विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इस तरह से हमने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। चलिए अब अगला मेथड हम स्टडी करते हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट करने का, एंड दैट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि उसका प्रिंसिपल है कंपाउंड टू बी प्यूरिफाइड शुड बी सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल अदर शुड नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। जिस कंपोनेंट को आपको अलग करना है या जिस कंपोनेंट के आपको क्रिस्टल निकालने हैं वो कंपोनेंट वाटर सॉल्युबल होना ही चाहिए। इस मेथड से हम कुछ सॉलिड्स को उसके इम्प्योर सैंपल से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, फिर सॉल्ट को हम सी वाटर से सेपरेट कर सकते हैं, और एलम
टाइम क्रिस्टल को उसके इम्प्योर सैंपल से भी हम अलग कर सकते हैं। इसमें हम ये एग्जांपल लेंगे, हाउ टू गेट क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल। अब इसको स्टडी करने के लिए आप देखिए कि हमें क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है कि आप कॉपर सल्फेट को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने इस चाइना डिश में कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कर लिया और उसके बाद में उसको क्या किया है, फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लिया है। तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा वो आपको फिल्ट्रेट के फॉर्म में मिल जाएगा। आप देखिए फिल्टर द इम्प्योरिटीज़। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस पोर्सलिन डिश को गर्म करेंगे ताकि हमें कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। इसमें क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और आपको कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इवेपोरेट वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर कवर द सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर अ डे टू कूल स्लोली। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला उसको आप अनडिस्टर्ब्ड एक दिन के लिए छोड़ दीजिए और अगले दिन जब आप देखेंगे तो आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। और जो इम्प्योरिटीज होंगी, कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी भी होती हैं जो सॉल्युबल होती हैं, तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रह जाएंगी और आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। सिंपल इवेपोरेशन के कंपेरिजन में हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड को प्रिफर क्यों करते हैं। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जब आप उनको हीट करेंगे तो उनके जलने का डर रहता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्टरेशन, ऑन इवेपोरेशन दे मे कंटामिनेट द गिवन सॉलिड। आप देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट के केस में जो इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर पे रह गई वो तो इनसॉल्युबल थी, लेकिन कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कॉपर सल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ में भी आ जाती हैं। तो क्या होगा, जब आपने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया तो वो इम्प्योरिटीज वाटर में डिजॉल्व थी, वो पीछे रह गई और आपको प्योर क्रिस्टल्स मिल गए। दिस इज द रीजन व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज प्रिफर्ड टू सिंपल इवेपोरेशन। अब अगला है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। बच्चों सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स में सबसे पहला मेथड होगा फिल्ट्रेशन। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में एक कंपोनेंट सॉलिड का होगा और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड का होगा। फिल्ट्रेशन मेथड का प्रिंसिपल क्या है, व्हेन सॉलिड कंपोनेंट इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड कंपोनेंट। पहला हम वो मिक्सचर पढ़ेंगे जिसमें सॉलिड कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट में डिसॉल्व नहीं होता। तो क्या करेंगे हम, बड़ी आसानी से फिल्टर पेपर से सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट को वी कैन सेपरेट। एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड एंड वाटर, फिर बेरियम सल्फेट एंड वाटर और प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन वाटर वर्क्स। इसमें क्या होता है, ये दोनों सॉलिड्स सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट ये क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं आप, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके इनके सॉलिड्स को आप लिक्विड से अलग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारे घर में जो वाटर सप्लाई होती है वो हमें कैसे मिलती है। यहाँ पर ये दिखाया गया है वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर में वाटर का कलेक्शन होता है ऑन लार्ज स्केल। उसके बाद यहाँ से ये सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में वी अलाउ सॉलिड्स टू सेटल। आप जब वाटर को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो इसमें जो सेडिमेंट्स होंगे, जो भारी इम्प्योरिटीज होंगी, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। फिर अब वो वाटर अगले टैंक में आता है। ये टैंक होता है लोडिंग टैंक। इस टैंक में हम एलम के क्रिस्टल्स डालते हैं और एलम के क्रिस्टल्स इम्प्योरिटीज को स्टिक करके, हैवी हो करके नीचे की तरफ बैठ जाता है। फिर हम उस वाटर को भेजते हैं फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में आप देखिए तीन लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है ऊपर की तरफ फाइन सैंड की,
फिर ग्रेवल की और फिर कोर्स ग्रेवल की। इन तीनों लेयर से जब वाटर निकलता है तो वाटर प्यूरिफाई होकर के निकलता है। अब उसमें क्या बचा रह गया होगा? जर्म्स। एंड टू किल जर्म्स वी डू द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं एंड ये क्लोरीन टैबलेट्स जर्म्स को किल कर देते हैं और यहाँ से वाटर सप्लाई हमें मिल जाती है। तो इस तरह से वाटर की सप्लाई हमारे घरों में की जाती है। बच्चों अगला है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। अगर दिए गए लिक्विड्स एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं तो हम जिस मेथड का यूज करते हैं दैट मेथड इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग फनल मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड्स। दो लिक्विड्स जिनकी डेंसिटीज में डिफरेंस होगा तो जो हल्की वाली लिक्विड होगी जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ रहेगी और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो लिक्विड नीचे की तरफ रहेगी। प्लस बोथ लिक्विड्स आर नॉट मिसिबल विद ईच अदर। एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, फिर केरोसिन ऑयल एंड वाटर। और इसका यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर में, लाइटर स्लैग फ्रॉम हैवी मोल्टन आयरन। बच्चों जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो मोल्टन आयरन जो होता है वो हैवी होता है और उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं स्लैग के फॉर्म में वो हल्की होती हैं, वो ऊपर रह जाती हैं। तो मोल्टन आयरन को हम सेपरेट कर लेते हैं किससे? स्लैग से। अब इसी मेथड का एक एप्लीकेशन हम देखेंगे सेपरेटिंग फनल में, जिसमें हम सेपरेट करेंगे केरोसिन ऑयल और वाटर को। इसमें देखिए केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है तो केरोसिन ऑयल ऊपर की तरफ रहेगी, वाटर की डेंसिटी एज कंपेयर टू केरोसिन ऑयल ज़्यादा है वाटर नीचे की तरफ रहेगा। जब आप ये स्टॉप कॉक खोलेंगे तो पहले वाटर नीचे आएगा और जब आप वाटर को एक कंटेनर में कलेक्ट कर लीजिए फिर क्या बच जाएगा? केरोसिन ऑयल। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने वाटर और केरोसिन ऑयल के मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। अब अगला देखिए बच्चों, अभी तक तो हमने पढ़ा था लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में टू लिक्विड्स इफ दे आर नॉट मिसिबल विद ईच अदर, बट तब क्या हो अगर दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं? तो बच्चों टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स हम जिस मेथड का यूज करते हैं वो होता है डिस्टिलेशन मेथड एंड द अदर वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब डिस्टिलेशन मेथड का यूज कब होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज कब होता है? फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज डिस्टिलेशन मेथड। इसका प्रिंसिपल है टू लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इस मेथड का यूज हम तब कर सकते हैं जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस हो और वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हों। एग्जाम्पल एसीटोन, एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हेयर यू कैन सी कि एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो चलिए हम इसको कैसे सेपरेट किया जाता है इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। बच्चों इसमें आप देखिए ये है एक डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसमें हमने एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को ले लिया है। फिर यहाँ पर एक कंडेंसर जोड़ा गया है। कंडेंसर किस लिए? कंडेंसर में एक रास्ते से ठंडा पानी भेजा जाता है और वो ठंडा पानी आने वाले वेपर को ठंडा करता है जिससे कि वो कंडेंस होकर के लिक्विड में बदल जाता है और यहाँ से वाटर का आउटलेट है वो वाटर बाहर निकल जाता है। इसमें हमने क्या किया, हेयर वी हैव टेकन मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर और नीचे से हम उसको हीट करते हैं। जब आप हीट करेंगे तो आपको पता है कि एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट कम है तो सबसे पहले एसीटोन के वेपर्स निकलेंगे और एसीटोन के वेपर्स जब इस कंडेंसर में पहुंचेंगे तो वहां पर ठंडे पानी की वजह से वो कूल हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, एसीटोन यहां पे कलेक्ट हो जाएगा एंड वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन योर डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो इस मेथड की मदद से हमने सीखा कि कैसे हम उन लिक्विड मिक्सचर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं जो एक दूसरे में घुल जाते हों और उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का होता हो। अब लास्ट में आप देखिए, लास्ट में जो मेथड हमें पढ़ना है वो मेथड है
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड उन लिक्विड मिक्सचर्स के लिए होता है जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। एग्जाम्पल, बेंजीन एंड एसीटोन। आप देखिए, एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है और बेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, मींस 25 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंस कम है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल से मतलब बड़ी ही आसानी से गैशियस स्टेट में चला जाता है। आइए इसको डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। बच्चों, इसका डायग्राम लगभग डिस्टिलेशन जैसा ही है, बस इसमें बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जोड़ दिया गया है जिसमें ग्लास की बीड्स हैं या ग्लास के बॉल्स हैं। तो ये ग्लास की बॉल्स क्या करेंगी, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। तो आने वाला जो वेपर्स है वो सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से डायरेक्ट इसमें ना जा करके इसी फ्लास्क में ट्रेवल करता है बहुत देर तक। आप देखिए, यहाँ पर हमने मिक्सचर ले लिया है किस चीज़ का, बेंजीन और एसीटोन का। तो जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से मिक्सचर में से वेपर्स निकल करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम में जाएंगे और ग्लास बीड्स की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसके जो वेपर्स हैं जब तक ऊपर पहुँचेंगे तब तक वो फिर से ठंडे हो जाएंगे तो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। और नीचे की तरफ से फ्रेश वेपर्स जा रहे हैं तो फ्रेश वेपर्स से उनको वापस हीट एनर्जी मिलेगी, वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, वेपर्स का रिपीटेड कंडेंसेशन हो जाता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, द पर्पस इज दैट इट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड कंडेंसेशन। तो फाइनली क्या होगा, जो लिक्विड लेस वोलेटाइल होगी उसके वेपर्स यहाँ से निकल के जाएंगे। लेस वोलेटाइल कौन है, जो लेस वोलेटाइल होगा उसके वेपर्स निकलेंगे, लेकिन जो लिक्विड ज़्यादा वोलेटाइल होगी वो सबसे पहले पहुँचेगी कहाँ पर, कंडेंसर में। और कौन से लिक्विड ज़्यादा वोलेटाइल है, एसीटोन इज मोर वोलेटाइल एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो वेपर्स तो बच्चों दोनों लिक्विड्स के निकलेंगे, लेकिन जिस लिक्विड की वोलेटिलिटी ज़्यादा है वो लिक्विड पहले यहाँ से आएगी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है वो उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन बाहर आएगा, एसीटोन इज मोर वोलेटाइल। एसीटोन बाहर आएगा कंडेंसर से, उसका कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगा और हमने एसीटोन और बेंजीन के मिक्सचर को सेपरेट कर लिया। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। और हमने आज के वीडियो में सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड देखे। इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एयर से हम ऑक्सीजन गैस को कैसे सेपरेट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।